हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल विटामिन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीपीटीएम आईपीआर सेक्शन को विद टॉप 20 क्वेश्चन को डील करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट वन ऑफ सीजीपीटीएम आईपीआर सेक्शन। ठीक है, आप लोगों की काफ़ी सारे क्वेरीज आई थी मेरे पास। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों की बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी, तो सीधा आते हैं हम लोग पॉइंट पर। तो ये पार्ट वन है, इसके बाद हम लोग पार्ट टू को डील करेंगे। सो सबसे पहले जानने की क्या जरूरत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल इन नेचर मतलब कि दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़े समय के लिए वैलिड रहेगी, 10 साल, 6 साल, ठीक है, कुछ की 60 साल आफ्टर लाइफ होता है कॉपीराइट का, 60 ईयर्स आफ्टर लाइफ होता है। मतलब आपकी, जैसे कि मैंने कोई बुक लिखी, अगर मैंने उस बुक को प्रिंट करवाया सो मेरी उस बुक पर कॉपीराइट है, सो मेरे मरने के बाद भी 60 साल तक वो कॉपीराइट मेरे पास अवेलेबल रहेगी। मतलब मेरे जो फ्यूचर लाइक सन के पास या किसी के पास भी रहेगी, वो क्या करेंगे, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो राइट्स होते हैं वो बेसिकली आप देखेंगे तो दो तरीके से क्लासीफाई होती है। पहला होता है आपका कॉपीराइट, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या करता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है पेटेंट, इन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम एंड प्लांट ब्रीडिंग। सो जो कुछ भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए होगा, कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से जो कुछ भी फ़ायदेमंद रहेगा, जो कुछ भी फ़ायदेमंद रहेगा, उसके लिए आप आईपीआर का यूज़ करते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ अपनी रचनात्मक, कोई भी चीज़ अगर इंटेलेक्चुअल अपने दिमाग को यूज़ करके अगर आप कोई भी नई चीज़ लेकर के आते हैं, सो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आईपीआर की वैलिडिटी होती है। ठीक है, आप वहाँ पर आईपीआर ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि मैं एक नए तरीके का मोबाइल फ़ोन बनाऊंगा जिसमें यू कैन यूज़ फिंगर एज सेंसर फॉर कैमरा। लाइक मैंने ऐसे कर दिया तो वो कैमरा क्लिक हो गया एंड ऑल। सो ऐसे करके टेक्नोलॉजी अगर मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसका क्या करूँगा, मैं उसका एक पेटेंट ले लूँगा। सो पहले हम लोग ओवरऑल एक व्यू जान लेते हैं। सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या करता है, पेटेंट को इंक्लूड करता है। पेटेंट क्या होता है, कोई भी नई चीज़ जो इन्वेंशन से रिलेटेड होगी, कोई भी नई चीज़ आपने ईजाद की हो, नए तरीके का आप चार्जिंग प्रोसेस ईजाद कर सकते हो, नए तरीके की आप कोई एक बुक ईजाद कर सकते हो। बुक मतलब इन द सेंस कि दैट डिजिटली वर्क्स एंड डिजिटली फील्स लाइक अ बुक, स्मेल्स लाइक अ बुक, वैसे करके आप कुछ कर सकते हैं। सो जितनी भी नए टाइप की टेक्नोलॉजी रिलेटेड या नया इन्वेंशन कुछ भी रहता है, दैट कम्स अंडर पेटेंट। ठीक है, ट्रेडमार्क जो रहता है, ट्रेडमार्क होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। कॉपीराइट जो रहता है, कॉपीराइट लीगल टर्म होता है, लीगल टर्म एसोसिएटेड विद लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क के लिए आपका यूज़ होता है कौन सा, कॉपीराइट। मतलब लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क मतलब कोई आर्ट होगी, कोई पेंटिंग हो गया, कोई एक आपका लिटरेरी वर्क, कोई आपकी बुक हो गई, कोई आपका थीसिस वगैरह हो गया, कोई आपका बहुत बढ़िया मतलब आपने कुछ राइट किया, कुछ पोएम्स वगैरह हो गए, ये सब, इन सब के लिए आप कॉपीराइट ले सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है एस्थेटिक एस्पेक्ट के लिए होता है। एस्थेटिक एस्पेक्ट के लिए मतलब वो रिलेट करता है आपके कि दिखने में कैसा है, किस तरीके का है, उसमें किस तरीके की लाइंस है, किस तरीके के कर्व्स हैं और किस तरीके का सरफेस डिज़ाइन है वगैरह। सो वो आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसा कि नाम ही है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से होगा। ठीक है, जैसे बासमती राइस हो गया, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से, जैसे दार्जिलिंग टी होगी, वो दार्जिलिंग के लिए। सो एक पर्टिकुलर लोकेशन का अगर कुछ स्पेशल चीज़ है, कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है जो कि उस प्लेस को और ज़्यादा यूनिक बनाता है, जैसे बनारसी साड़ी हो गई, वो बनारस के में बनारसी साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो वहाँ का कल्चर में ही है। सो बनारसी साड़ी कम्स अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ट्रेड सीक्रेट, उसके बाद बात करें, ट्रेड सीक्रेट मतलब क्या हो गया, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कोको कोला का जो ब्रांड है, वो अपना अपना खुद का उनका सीक्रेट होता है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं, सीक्रेट फार्मूला होता है, केवल और केवल 2 या 3 लोग जानते हैं कोको कोला के सीक्रेट से इंग्रेडिएंट को, जो उसको इतना स्पेशल बनाता है, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी हाइप है उसकी। सो ट्रेड सीक्रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। प्लांट वैराइटीज़ की बात करेंगे, सो अगर मैं कुछ जीनोम की बात कर रहा हूँ, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहा हूँ, जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब कोविड वाला नहीं, मतलब अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल की बात कर रहा हूँ, बीटी ब्रिंजल की बात कर रहा हूँ, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है वगैरह, नई टाइप की प्लांट वैराइटीज़ इंक्लूड की जा सकती है बाय इंटरब्रीडिंग एंड ऑल, उन सब केसेस में प्लांट वैराइटीज़ यूज़ होता है। और लेआउट डिज़ाइन में, लेआउट डिज़ाइन मतलब क्या होता है, लेआउट डिज़ाइन आपका बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए यूज़ होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब जैसे कि आईसी जो आपकी चिप होती है, वो
एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर लगी होती है, एक पर्टिकुलर तरीके से लगी होती है, उस तरीके तक का आप आईपीआर ले सकते हैं, ठीक है। सो कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके एमसीक्यूज आएंगे, दैट आई कैन यू नो आई कैन से 99% श्योर, ठीक है। अगर कोई 100% बोलता है तो मैं तो कहूँगा वो बेवकूफ़ है, बट 99% श्योर यहीं से आएगा। सो कॉपीराइट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉपीराइट में इंक्लूड होता है बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग, ये सब कुछ कॉपीराइट के अंदर में इंक्लूड होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क जो होता है, जैसे कि मैंने बताया ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहना, मान लीजिए ये टी शर्ट जो है ये बेवकूफ़ का है, ये पर्टिकुलर टी शर्ट जो है अगर वो बेवकूफ़ की है तो क्या होगा, बेवकूफ़ वालों ने इसका एक ट्रेडमार्क हासिल कर रखा है गुड्स और सर्विसेज के लिए। ये किसके अंदर में आता है, गुड्स के अंदर में आता है। अगर कोई भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं सो उसके अंडर में जो आता है वो आता है ट्रेडमार्क। जैसे यूट्यूब जो होगा वो किस में आएगा, ट्रेडमार्क में इंक्लूड होगा, और ये पहले से चला रहा है, एंशियंट टाइम से चला रहा है। जब आपका इंडस सिविलाइजेशन था तो वहाँ पर भी सील्स वगैरह लगाई जाती थी कि ये इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, और वही सील्स कुछ नहीं वो ट्रेडमार्क ही होती थी, ठीक है, कि वो ट्रेड के एक मार्क को दिखाए कि यहाँ से चीज़ें हो रही हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है वो क्या बताता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बताएगा आपका शेप, सरफेस, फीचर को बताएगा कि कैसा दिखता है, कैसा उसका सरफेस है, कैसा उसका काउंटर है। मान लीजिए मेरे पास ये डायरी है, भले ही अभी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर में नहीं है, इसका टेक्सचर अलग है, इसके लाइंस वगैरह पैटर्न्स वगैरह अलग हैं, इसका कलर अलग है, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर डायरी होगी ये किस में आ जाएगी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, भले ही ये अभी डायरी का एग्जांपल दिया, बट ये किस में इंक्लूड होगा, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, ये आपके लैपटॉप्स हो गए, या आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, इन सब में आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 3D फीचर्स जो रहेंगे, कितनी थिकनेस है, कितनी विड्थ है, शेप जो रहेगा, सरफेस जो रहेगा, और 2D पैटर्न्स, लाइंस एंड कलर सब कुछ इंक्लूड करता है, क्या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंक्लूड करता है, ठीक है। कॉपीराइट जो रहेगा वो हमेशा और हमेशा किसी आइडिया पर नहीं बेस्ड होगा। आइडिया मतलब मैंने सोच लिया, मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मैंने दो तीन लाइनें लिखी, मैंने कुछ एकदम मतलब लाइनें लिखी बहुत ज़्यादा अच्छी, और वो किसी सॉन्ग में अगर कोई यूज़ कर लेता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये आइडिया था, ये यहाँ से चुराया गया, मेरा ये क्लेम बनता ही नहीं है। मेरा क्लेम क्या बनता, मेरा क्लेम कुछ बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी आइडिया पर कॉपीराइट नहीं मिल सकता। आप कुछ भी सोच सकते हैं लेकिन जब तक आप उसको हार्ड में नहीं ले आएंगे, हार्ड एविडेंस में नहीं ले आएंगे, मतलब आप उसको लिख करके प्रस्तुत नहीं करेंगे और कॉपीराइट उसके लिए नहीं फाइल करेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, जो भी आपने सोचा, जो भी आपने आइडिया लाया, ठीक है। और वैलिडिटी जो रहती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, वैलिडिटी जो रहेगी वो रहेगी 60 ईयर्स आफ्टर दैट, मतलब आपके आपने कुछ कहानी लिखी, कुछ कविता लिखी, कुछ पोएम्स लिखा, कुछ बुक्स लिखी, कुछ आपने स्टोरी लाइनअप लिखी, वो 60 ईयर्स आफ्टर दैट, आपकी मृत्यु मतलब किसी के भी एक पर्टिकुलर पर्सन की मृत्यु होने के बाद 60 साल तक उसको बेनिफिशियल रहेगी, उसके परिवार वालों को बेनिफिशियल रहेगी। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कौन ले आता है, ये आता है इसके DPIIT ले आता है, इसके बारे में आराम से बात करेंगे। DPIIT का जो लोगो है वो है ट्राई कलर लोगो, ट्राई कलर लोगो जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं, ट्राई कलर लोगो है, ऑरेंज जैसा कि अपना तिरंगे का कलर है वो है आपका ऑरेंज, वाइट एंड देन आपका ग्रीन, ठीक है, और बीच में आपका जो आपका अशोक चक्र रहता है वो, ठीक है। GI की टैगलाइन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि और इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ट्रेड सीक्रेट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, मे बी सोल्ड और लाइसेंस। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब केवल कुछ ही लोग जान पाएंगे और सब लोग नहीं जान पाएंगे, ये किसी को बेची जा सकती है और लाइसेंस इसके ऊपर लिया जा सकता है, ठीक है। सो कोको कोला के ऊपर जो अगर है, कोको कोला का टेस्ट है, थम्सअप का टेस्ट है, जो कुछ भी है वो टेस्ट वगैरह क्या है, वो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत में आती है। जो टर्मरिक होता है वो भी एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर में आती है, मतलब कौन सा टर्मरिक, ये नॉर्मल आपका हल्दी वाला नहीं, जो दूसरे टाइप की टर्मरिक होती है वो, ठीक है। जैसे कि आपके जो फ्रूट ड्रिंक्स हो गए, जो आपके डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स हो गई, ये सारी के सारे किसमें आएंगे, ट्रेड सीक्रेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो DPIIT का जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPIIT, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। प्लांट वेराइटीज़ की बात करेंगे, प्लांट वेराइटीज़ ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट को हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है,
उतना फोकस नहीं करना है, ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं लाना है। ट्रिप्स की जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं इंक्लूड करूँगा। सो ट्रिप्स हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट में इंडिया भी इंक्लूडेड था। उस क्या था ट्रिप्स एग्रीमेंट में, वो था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर एक्ट 2001। ये इंडिया में इंक्लूड किया गया था ट्रिप्स रिगार्डिंग को। ट्रिप्स देखिए, ट्रिप्स क्या था, वो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट था इन प्लांट वेराइटीज़ के उसमें। सो प्लांट वेराइटीज़ के इंक्लूड में इंटरनेशनल समिट हुआ था। उस इंटरनेशनल समिट में इंडिया ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था और इंडिया ने अपने नेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर एक्ट 2001 इंक्लूड किया था। और इसमें क्या था, इसमें था प्लांट एक्ट रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। ठीक है, ये न्यू वेराइटीज़ के लिए था, डेवलपिंग न्यू सीड्स, नए टाइप के बीज और नए बेहतरीन टाइप के बीज जो आपकी फसल की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे, आपकी आपकी उसकी एफिशिएंसी वगैरह जो रहे उसको बढ़ा सके। ठीक है, मान लीजिए पहले कुछ पौधों में कीट लगते थे, मतलब कीड़े वगैरह लगते थे, अब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केले हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या, ये नए टाइप के सीड्स है, बेटर सीड्स है जिनको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट डिज़ाइन की बात करेंगे, मैंने आपको बताया लेआउट डिज़ाइन का क्या था कि जिस तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट में डिफरेंट टाइप की चिप्स, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब जिस तरीके से लगे होते हैं, ये आता है आपका लेआउट डिज़ाइन और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। सो इंडिया ने इंक्लूड किया था, इंडिया का 2000 में इंक्लूड किया था सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट। इंडिया ने 2000 में सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट किया था। ये भी किसके बेसिस पे था, ये भी ट्रिप्स के बेसिस पर ही था। जिस तरीके से ट्रांजिस्टर और अदर सर्किटरी एलिमेंट को एक कॉम्बिनेशन में एक तरीके से लगाया जाता है, वो आता है आपका लेआउट डिज़ाइन ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। ठीक है, अब ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्निंग रेगुलेशन कौन कौन से रेगुलेशन हैं, बाकी जो करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट रहेंगे वो भी मैं डील करूंगा, बट ये पार्ट वन है तो पार्ट थ्री की तक मैं जो करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट रिलेटेड विद आईपीआर उन सबको भी डील करूंगा। ठीक है, सो गवर्निंग रेगुलेशन इन इंडिया की अगर बात करें तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999, पेटेंट एक्ट 1970 जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, कॉपीराइट एक्ट 1957, डिज़ाइन एक्ट 2000, जीआई गुड्स मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स गुड वो है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, अब बात करते हैं WIPO। WIPO जो है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल वाला जो आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में ये वाइपो काम करता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 14 जुलाई को इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, और कब काम करना कब से शुरू किया था, ये किया था 26 अप्रैल 1970 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा और जेनेवा का कैपिटल क्या है, बर्न। डायरेक्टर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त WIPO के डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है डेरेन टैंग, ये सिंगापुर के है। ठीक है, 193 मेंबर है WIPO के अंदर में, जिसमें 190 जो है वो UN के ही मेंबर स्टेट है, बाकी UN ने रिकॉग्नाइज किया तीन और कंट्रीज को, वो है कुक आइलैंड, होली सी एंड न्यू और फलस्तीन। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो वेस्ट होगा या आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, सो डायरेक्टर जनरल कौन है, वापस है डेरेन टैंग है, डेरेन टैंग वो है सिंगापुर के, 193 मेंबर है WIPO के अंदर में, जिसमें 190 जो है वो UN के ही मेंबर है, बाकी UN ने कुछ और लोगों को रिकॉग्नाइज किया, वो है कुक आइलैंड, होली सी एंड न्यू और फलस्तीन है। ठीक है, जो नॉन मेंबर है, जो नॉन मेंबर हैं वो है फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ और साउथ सूडान। ठीक है, सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 अप्रैल। क्यों 26 अप्रैल, क्योंकि 26 अप्रैल को WIPO काम करना शुरू कर दिया था, और इस्टेब्लिश कब हुआ था, 14 जुलाई को इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, 3 साल तक इनका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह डिसाइड हुआ, उसके बाद जाकर के WIPO काम करना शुरू किया। ठीक है, इस साल की जो थीम थी वो थी वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है, वुमेन से रिलेटेड है 2023 की थीम। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल, 3 दिन पहले, जब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 26 अप्रैल, बुक की जब बात होगी और कॉपीराइट की जब बात होगी, बुक मतलब क्या हो गया, लिटरेरी वर्क मतलब किससे रिलेट करेगा, आपको ऐसे लिंक करते हुए चलना है, बुक मतलब क्या हो गया लिटरेरी वर्क, और लिटरेरी वर्क मतलब क्या हो गया कि रिलेटेड विथ कॉपीराइट, और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, 23rd of April। ठीक है, अब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर जो कि ट्रिप्स होता है,
WTO ट्रिप्स जो था वो साइन हुआ था 15 अप्रैल 1994 मैराकेश में, मोरक्को में, ठीक है, मैराकेश जगह है मोरक्को में। इफेक्टिव कब से हुआ था? 1995 से। ये जो आपका ट्रिप्स था, ये कोऑपरेटेड किससे था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। और WHO का अभी हेड कौन है? वह टेड्रोस अदनॉन, ये है इथियोपिया के, टेड्रोस अदनॉन इथियोपिया के, ठीक है। वापस से ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR किसके अंडर में है, मतलब कोऑपरेट किसे करता है? एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब साइन हुआ था? 15 अप्रैल 1994 को साइन हुआ था। उसके बाद WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वह टेड्रोस अदनॉम, वो कहाँ के हैं? इथियोपिया के हैं, ठीक है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इंडिया की रैंकिंग याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पर भी अगर इंडिया की स्कीम्स हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड आस्पेक्ट बता रहा हूँ, इंडिया की जो स्कीम्स हैं और साथ में इंडिया की जो रैंकिंग है बाकी वैश्विक प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म पे जो इंडिया की रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आस्पेक्ट से। लेकिन IPR सेक्शन में याद रखना क्या ज़रूरी है कि इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो है 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज, और वियतनाम से आगे है। रैंक वन जो था स्विट्जरलैंड का था, सेकेंड रैंक थी USA की, थर्ड स्वीडन की, देन UK एंड देन नेदरलैंड, ठीक है। ये आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है रैंक वन कौन था? स्विट्जरलैंड। रैंक टू USA। बाकी क्या इंडिया की रैंकिंग याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है 40 रैंक है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ये हुआ था 2007 में। और ये कौन बनाता कौन है? ये है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्लस कॉर्नल यूनिवर्सिटी, प्लस इनसीड। इनसीड एक बिजनेस स्कूल ऑफ वर्ल्ड करके है, ब्रिटेन में है आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है। तो और कितने पैमानों पर, कितने इंडिकेटर्स ये इंक्लूड करता है जब ये आपका इनोवेशन इंडेक्स तैयार किया जाता है? कोई भी इंडेक्स जो तैयार किया जाएगा वो कुछ लेवल्स पर होगा कि किस तरीके का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, किस तरीके का रिसर्च चल रहा है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। वहाँ पर फिर मार्क्स दिए जाते हैं कि इतना मार्क्स इनको मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन इस कंट्री का है। उन सब के बेसिस को जब कंबाइन करते हैं, जब सम टोटल करते हैं, तो जाकर के आपका एक इंडेक्स आता है कि वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया कौन से नंबर पे, US कौन से नंबर पे। वैसे 80 इंडिकेटर्स जो थे वो थे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। किसके लिए? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के लिए, ठीक है। नेशनल इनोवेशन इंडेक्स, अब देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड लेवल पर है, लेकिन इंडिया ने सोचा कि क्योंकि हम लोग को नेशन के तौर पर भी उठना है, हम लोग को नेशन आपस में जोड़ करके रखना है, पूरे देश को हम लोग को आगे बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग देश में ही एक मुहिम चालू करेंगे, उस मुहिम का क्या नाम रखेंगे? नेशनल इनोवेशन इंडेक्स। ये नेशनल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये आपका इनोवेशन इंडेक्स है, मतलब पैमाना है कि बताता है कि कितना बढ़िया तरीके से इनोवेशन इंडिया में चल रहा है। ये कौन कंडक्ट कराता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और नीति आयोग मिल करके इसको बनाते हैं, ठीक है। ये बताता है कि भैया देश का कितना बढ़िया इकोसिस्टम चल रहा है, इनोवेशन का कितना बढ़िया इकोसिस्टम चल रहा है, कोई नई चीज़ ईजाद हो रही है कि नहीं हो रही है, जो नई चीज़ ईजाद हो रही है उसको प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रिसर्च कैसी चल रही है, डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, किस तरीके का एनवायरमेंट है आसपास में कि बढ़िया से बढ़िया रिसर्च हो सके और बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा कंपनीज इन्वेस्ट कर सके और साथ में चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो सके। नेशनल इनोवेशन इंडेक्स जो था वो क्या था? वो सर्वे किया गया था 2021 में। यहाँ GII पर मत जाइए, GII के बेसिस पर है, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बेसिस पे बनाया गया था। इसका सर्वे हुआ था 2021 में, और पब्लिश कब हुआ था ये रिपोर्ट? जुलाई 2022 में, ठीक है। अभी इस साल का नहीं आया, तो इस साल के लिए अभी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टेट रैंकिंग की देखेंगे तो सबसे बढ़िया अगर इनोवेशन कहीं पर हो रहा है तो वह कर्नाटका, देन तेलंगाना एंड देन हरियाणा। साथ में नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज़ की, तो उसमें सबसे पहले मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, याद रखने के लिए आप स्टेट रैंकिंग में याद रख सकते हैं KTM बाइक,
KTM बाइक में M की जगह आपको H लगाना है, आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, जहाँ पर अभी अभी ट्रेजडी हुई थी रिसेंट में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो है मणिपुर। उसके बाद ट्रेजडी कहाँ पर हुई, आपका ट्रेजडी हुई उसके उत्तराखंड में हुई, बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ गया। एंड देन मेघालय में लास्ट थर्ड नंबर पर है, उसको आप किसी भी और तरीके से याद रख सकते हैं, या मम्मी के नाम से याद रख सकते हैं, MUM, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार, इसको आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है वो 42 है। वापस से, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 42 है, और किसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक कितना था, रैंक 40 था। ऐसे करके कोरिलेट करके चलिए, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है वो कौन बनाता है, ये रिलीज कौन करता है, ये करता है US चेंबर ऑफ कॉमर्स। इसमें 50 इंडिकेटर यूज़ करते हैं, 50 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, 50 पैमाने तय किए जाते हैं, किन पैमानों पर कौन खरा उतरता है ये सब देखा जाता है। इसमें पहले नंबर पे तो US, दूसरे पे UK और तीसरे पे फ्रांस, ठीक है। सो नैसकॉम का ये कहना है, ठीक है, नैसकॉम हमारे देश का है, नैसकॉम एक आगे डील करेंगे आराम से, फुल फॉर्म वगैरह सब डील करेंगे। नैसकॉम रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में पेटेंट फाइलिंग इंक्रीज हुई है 13.6%, ये आपका एक करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट है, ठीक है। और वो भी मेनली किस चीज़ से डील कर रही थी, वो मेनली डील कर रही थी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G एंड 6G। उसके बाद बात करते हैं हम लोग DPIIT की, यह है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वापस से वही वाला चीज़, पहले इसका नाम था DIPP, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है, अंडर द मिनिस्टर पीयूष गोयल, मिस्टर पीयूष गोयल के अंदर में ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है DPIIT। पहले DPIIT का नाम था डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ही था, और बाद में वो 2019 में DPIIT हो गया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये तीन चीज़ों से कोऑर्डिनेट करता है, ये होता है FICCI, CII और असोचैम। असोचैम का मैंने बताया था ये क्या है, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बेटर रिलेट, ये क्या करता है, ये बेटर इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करता है। रिसेंट में मुंबई में एक एप्पल स्टोर ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है वहाँ पर, अभी आज ही बहुत ज़्यादा भीड़ न्यूज़ होगी, इंस्टाग्राम रील वगैरह आप लोग देख रहे होंगे, हैं यही सब कर रहे होंगे। सो FDI इंक्रीज करता है, FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या, फॉरेन से जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट करें और ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ हो सके, उसकी वजह से क्या होगा, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ही DPIIT की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, ठीक है। ये यूनाइडो के जो सिद्धांत है उसको डील करता है। यूनाइडो क्या होता है ये आगे आराम से देखेंगे। ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ डॉट को भूल जाएगा, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1966। मोस्ट ऑफ दी जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है उनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, वियना में होंगे, ठीक है, वियना जेनेवा, यही दो चीज़ होती है। डायरेक्टर जनरल जो हैं वो यहाँ के गर्ड मुलर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, UN इकोसॉक के अंदर में, मैंने बताया था WIPO भी किसके अंदर में आता है, इकोसॉक के अंदर में ही आता है, और यूनाइडो जो है वो भी इकोसॉक के अंदर में आता है, ये आता है 171 इसके मेंबर्स हैं। और जो विजन है वो है वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी एंड हैंगर, बिना गरीबी और भुखमरी के दुनिया। तो इनका फोकस किस पर रहेगा, ये रहेगा भुखमरी मिटाने में और क्लाइमेट कंडीशन को सही करने में और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में, ठीक है। ये मैं पार्ट वन में अभी यहीं तक रहने देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन रिलेटेड आस्पेक्ट पे आऊँगा ताकि आप लोग ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाए। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए, व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डिजाइनर, देखिए क्रिएटेड बाय डिजाइनर, किसकी बात हो रही है, डिजाइनर की बात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रजिस्टर्ड डिजाइन जो रहेंगे वही और वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में आएंगे। डिजाइन की बात हो रही है, डिजाइनर मतलब आप साड़ी मत समझ लीजिएगा, आपको लिटरेरी वर्क मत समझ लीजिएगा, क्लियर कट जब क्वेश्चन में डिजाइनर दे रखा तो डिजाइनर कहाँ के, कि ऐसे डिजाइन जो पहले से रजिस्टर्ड हों। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से रिलेटेड, लिटरेरी वर्क से रिलेटेड, तो ऑब्वियस ही बात है बिना आंसर देखे भी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ करके आप लोगों को समझ में आना चाहिए आर्टिस्ट की बात हो रही, आर्टिस्ट किस तरीके का आर्टिस्ट, ऑब्वियस बात है लिटरेरी आर्ट रिलेटेड कोई आर्टिस्ट होगा तो क्या होगा, कॉपी राइट होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वगैरह आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो को क्योंकि शॉर्ट रखता हूँ तो
बाकी आपको पीपीटी वगैरह चाहिए तो मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, अब देखिए ट्रेड सीक्रेट है हमने बताया, ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट भी है। होम लोन्स कहाँ से आ गया? सो होम लोन्स ऑब्वियस सी बात है, ये नॉट अ प्रॉपर नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ पर डील किया जाता है, किस आर्टिकल में डील किया जाता है? आर्टिकल 27 में डील किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 27 डील किससे करता है? ह्यूमन राइट से डील करता है। किससे डील करता है? ह्यूमन राइट से डील करता है। और ह्यूमन राइट्स की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर उसकी उसकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी, और बौद्धिक क्षमता मतलब जितना बेहतरीन तरीके से वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर पा रहा है कुछ बढ़िया चीज़ इनोवेट करने में, कुछ अलग तरीके की चीज़ें करने में। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस में आता है? आर्टिकल 27 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कॉपी राइट? लिटरेरी वर्क कर सकते हैं, आइडियाज कर सकते हैं, फैशन आइडियाज कर सकते हैं। आइडियाज मैंने क्या बताया था, कॉपी राइट में आइडियाज को हम लोग कॉपी राइट नहीं ले सकते। कोरियोग्राफिक वर्क ये कुछ कॉपी राइट के अंदर में नहीं आता, और फैशन वगैरह जो है वो भी नहीं आता। तो बचता क्या है, केवल और केवल लिटरेरी वर्क, आइडियाज नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था। सो इनमें से कौन सा है जो आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं? वो है नेम, सिंबल, सिंबल लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो जो मैं क्वेश्चन डील कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, आप लोग जब इसको देखेंगे तो कहेंगे ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आप ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेडमार्क की बात होगी, जो मोहर की बात होगी, जो ट्रेडमार्क की बात होगी, मैंने बताया था कि एंशियंट टाइम से चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जगह का नाम होना चाहिए, कोई एक सिंबल होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर का लोगो भी साथ में इंक्लूड होना चाहिए। सो आप करेक्ट आंसर विल बी डी। देन हेडक्वार्टर कहाँ है WIPO का, हमने बात किया था, ये कहाँ है? जनेवा में है, ज़्यादा उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन डज नॉट इंक्लूड, अब देखिए मोड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ क्या फीचर ऑफ शेप, मैंने बताया था शेप को इंक्लूड करेगा, लाइन को इंक्लूड करेगा, कलर्स को इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो शेप हो गया, लाइंस, कलर्स, वापस से कलर्स, सो ऑप्शन सी जो होगा ये होगा मोड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कहीं पर इंक्लूड नहीं था, मेरे लेक्चर में भी इंक्लूड नहीं था, सो आंसर सी ही होगा। WIPO हम लोग को पता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सो करेक्ट आंसर विल बी ओके। अ न्यू वे टू प्रोसेस मिल्क सो दैट देयर इज नो फैट इन एनी चीज मेड फ्रॉम इट, नया तरीका है मिल्क को बनाने का, ठीक है, नया तरीका है। सो तरीका कहाँ पर आएगा, ये तरीका इनोवेशन एक तरीके की चीज़ है, और जहाँ कहीं भी इनोवेशन जैसी कोई भी चीज़ इंक्लूड होगी वो किस में आ जाती है, पेटेंट में आ जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सो अ कंपनी डिसाइड्स टू यूज अ लोगो दैट हैज सेम शेप एज इट्स कॉम्पिटिटर बट विद अ डिफरेंट कलर, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर कहीं भी कंपनी की बात आ रही है, कॉम्पिटिटर की बात आ रही है, वहाँ पर किसकी बात होगी, वहाँ पर बात होगी ट्रेड की, ट्रेड मतलब व्यापार की, और व्यापार से रिलेटेड कौन सी चीज़ आती है, वो आती है ट्रेडमार्क आती है। अगर लोगो सेम है, सब कुछ सेम है, तो अगर कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो किसके अंदर में इंक्लूड किया जाएगा, वो आएगा आपके ट्रेडमार्क के अंदर में। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था काफ़ी सारे एक्ट हैं, ठीक है, अभी इन सबको लेकर के अभी आप कंफ्यूज मत होइए, एक बार और ये PPT वगैरह देख लीजिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग इस PPT के गो थ्रू हो सकते हो पावर पॉइंट के, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, लेकिन कस्टम एक्ट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं रहेगा। सो आप करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ये तो बेसिक ऐसा लॉजिकल टाइप की चीज़ें हैं कि भैया देख करके ऑप्शन आप पता लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट्स ऑफ अ कॉपीराइट ओनर, कॉपीराइट ओनर की क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या उसके हक होते हैं? सो वो अपने आप पब्लिश कर सकता है, परफॉर्म देयर वर्क, उसके बाद ट्रांसलेट कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है, कहीं पर जारी कर सकता है, और साथ में और लोगों को रोक सकता है कि भाई मेरा आप काम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और सारे के सारे एस्पेक्ट रिलेटेड किससे हैं, कॉपीराइट ओनर के उससे रिलेटेड है। डैश आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस, सोल्ड और लाइसेंस की बात हो रही है। ये कौन सा था, ये था ट्रेड सीक्रेट का बात था, ट्रेड सीक्रेट को आप बेच सकते हैं, कोको कोला वाला मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई और कंपनी लेना चाहे तो ले सकती है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, और अगर कोई कंपनी लेती है तब जाकर के वो ट्रेड सीक्रेट भी उसी के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। सो अब देखिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस विच यूजर कैन चूज टू अप्लाई वेन पब्लिशिंग देयर वर्क, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस किस चीज़ के लिए, जब पब्लिश की बात हो रही, किस पब्लिश की बात हो रही है, सो पब्लिशिंग की बात, जहाँ कहीं भी बात आई, पब्लिश क्या होता है, पब्लिश आपका जनरली कौन सा होगा, लिटरेरी वर्क होगा, और लिटरेरी वर्क मतलब कॉपी किताब, मतलब नॉवेल्स हो गए, अब कहानियाँ होगी आपकी, आपकी पोएम्स वगैरह होगी, ये सब कुछ इंक्लूड होगा आपका किसमें, क्रिएटिव के अंदर में। सो कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट उसके अंदर में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या ऑब्वियस सी बात है, BMW नहीं हो, हॉगवर्ट्स कुछ है नहीं, प्ले स्टेशन एक तरीके का गेम होता है, सो शैम्पेन इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक
ठीक है, ये देख करके आपको समझ में आ जाएगी, कोई खाने की चीज़, कोई पीने की चीज़, कोई पहनने की, कोई ओढ़ने की, कोई नई तरीके की चीज़ हल्की सी जो उसी रीजन के लिए हो, तो शैम्पेन इज वन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो मान लीजिए कि एक फुटबॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि एक फुटबॉलर अपनी एक कंपनी सेटअप करता है और वो अपने रेंज के क्लोथ्स बेचना चाहता है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा ताकि क्लोथ जो रहे वो बिक सके, ठीक है, वो उसी पर्टिकुलर आदमी के। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, बहुत बड़ा, मान लीजिए मैं क्रिकेट का एक बहुत बेहतरीन सुपरस्टार हूँ और मैंने अपना एक टी शर्ट लाइनअप शुरू करना चाहा, सो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ट्रेडमार्क, यूज़ करूँगा कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है ट्रेडमार्क्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी डेवलप्स अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव्स इट्स मेन प्रोडक्ट, क्या बात है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कौन सा आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स यूज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, अब देखिए क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर, किस, मैंने शुरू में बताया था ये सारे के सारे किससे रिलेटेड होंगे, कॉमर्शियल वैल्यू, मतलब पैसे के तौर पे अगर किसी वैल्यू में है, ठीक है, कॉमर्शियल मतलब क्या होगा, पैसे के तौर पर, वही बात करूंगा, जो है सो है, कॉमर्शियल वैल्यू जो है पैसे के तौर पे अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आज जो डील करेंगे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसको एक कंप्यूटर पर, ठीक है, कॉपी द सॉफ्टवेयर टू अनदर कंप्यूटर बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक कंप्यूटर, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काफ़ी सारे कंप्यूटर होंगे, उस कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर पर मैंने इंस्टॉल किया और दूसरे कंप्यूटर पर मैंने उसको वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया, वैसे कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या, कॉपी द सॉफ्टवेयर टू अनदर कंप्यूटर बाई कंपनी, कॉपी द सॉफ्टवेयर टू अनदर कंप्यूटर एंड साथ में क्या, टू मेक बैकअप, तो जो मेक बैकअप वाला होता है वही रहता है, इन्फ्रिंजमेंट के अंदर में नहीं इंक्लूड होगा, बाकी सब इन्फ्रिंजमेंट के अंदर में इंक्लूड होगा। इसीलिए क्या होता है, जब भी कभी आपने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप वगैरह में इंस्टॉल किया होगा, सो एक सीरियल की मांगता है, हर एक पर्टिकुलर कंपनी क्या होती है, वो एक सीरियल की जनरेट करती है हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी वो सोल्व करती है, सो जो भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंक्लूड करते हो उसके सीरियल की आपको क्या करना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, और वो अगर सीरियल की नहीं होता है तो क्या हो जाता है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, सो अगर आप गलती से भी कर देते सो किसके अंदर में आता है, वो आता है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लाइक करिए, अगर आप चाहते हैं पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालूँ तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप कमेंट करिए और अपने बाकी सारे दोस्तों और बाकी सारे एस्पिरेंट्स के साथ इस चीज़ को शेयर करिए। अगर नहीं समझ में आया कुछ ऐसी चीज़ है या मुझ में कुछ सुधार की आवश्यकता है या कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ और तरीके से पढ़ाऊँ, कोई नया तरीके से पढ़ाऊँ या कुछ आप अलग चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए मुझे इस बारे में गाइड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ वेरी गुड डे, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तबीयत का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।